अंदर कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये चर्चा हुई है कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब को इलेक्शन कमीशन ने एज एन ऑब्जर्वर बोल के बिहार को भेज दिया है। तो मैंने ये सवाल उठाया है कि अगर हमारी प्रायोरिटी कोरोना है, यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स अब भी हर रोज़ सौ की तादाद के अंदर निकल रहे हैं, रोज़ 200, 250, 300 केसेस अगर निकल रहे हैं, और सरकार यहाँ के जिलाधिकारी को अगर ऑब्जर्वर बोल के वहाँ पर भेज देती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? या तो कोरोना है या इलेक्शन है। तो हमने सबने ये ठहराव पास किया है कि जितने भी लोक प्रतिनिधि है, ये इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के कलेक्टर को ना भेजते हुए जहाँ पर भी कोरोना के केसेस कम है, या दूसरे कोई भी IAS IPS ऑफिसर को आपको भेजना है भेजिएगा, लेकिन यहाँ के कलेक्टर को ना भेजें, क्योंकि इतनी मेहनतों के बाद, इतने महीनों के बाद इस सिचुएशन के ऊपर आए हैं कि जहाँ पर अब ये सिचुएशन कंट्रोल के ऊपर आ रही है, लेकिन अगर कलेक्टर यहाँ से चल जाता है तो लोगों को यकीनन दिक्कत होगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ के जितने भी इंटर्न डॉक्टर्स हैं जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, इन्हें महज 11,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है या स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि दूसरे शहरों की अगर हम तुलना करें, चाहे वो मुंबई के हॉस्पिटल्स हो, पूना के हो, रत्नागिरी हो, थाने हो, या जलगांव जैसी जगह के ऊपर भी, वहाँ के इंटर्न्स को 30,000 रुपये या 50,000 रुपये के बीच में दिया जाता है, जबकि औरंगाबाद के इंटर्न्स को महज 11,000 रुपये दिया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? अगर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव जब हमने पहले भी चर्चा की थी तो 4 सितंबर को जिलाधिकारी के पास ये प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने वही सरकारी जवाब दिया कि इसके ऊपर विचार चल रहा है। तो ऐसे कोई विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके पास कोविड का फंड है। हमने कहा कि आप परमानेंट इनके लिए नहीं, अभी कोविड के पीरियड के अंदर कम से कम जो भी है, क्योंकि परमानेंट अगर करने का है तो उसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा, लेकिन इस कोविड के दौरान जो जो काम कर रहे हैं उन पर एडिशनल स्टाइपेंड के तौर के ऊपर जो भी फैसला है वो आज का आज लेने के लिए कहा गया है। तो उम्मीद है कि एक दो दिन के अंदर इस बारे में कुछ ना कुछ फैसला, पॉजिटिव फैसला ये इंटर्न डॉक्टर्स के बारे में लिया जाएगा। तीसरा ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जो बताया जा रहा है कि हमारे ये मेडिकल स्टोर के ऊपर है, ये हॉस्पिटल के पास उपलब्ध है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जब ये कहा जाता है कि तुम जाकर ये इंजेक्शन लेकर आओ, तो कई दुकानों के ऊपर जाने के बाद, घूमने फिरने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये कहा है कि आप दो ऑफिसर्स जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के हैं, उनके नंबर्स हैं तो आप हाईलाइट करिए, ताकि पेशेंट अगर 4 दुकानों पे गया और उसको ये कहा गया है कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो फ़ौरन है तो उस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो FDA के जो ऑफिसर्स हैं वो उसे गाइड कर सकते हैं कि आपका ये इंजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बारे में कुछ अहम चर्चा की गई है। दूसरा, घाटी के हॉस्पिटल के अंदर की जो सिक्योरिटी के ताल्लुक से जो चर्चा की गई है, ये हकीकत है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर पीछे के एरिया के अंदर बहुत सारे जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स को दे दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये घाटी प्रशासन को पता नहीं है, घाटी प्रशासन को पता है, लेकिन किस लिए दिए गए हैं, किसका फ़ायदा इससे हो रहा है, ये देखते हुए हमने DCP मैडम को और पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप एक जॉइंट सर्वे करें, और जहाँ पर भी इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, जो ज़बरदस्ती अंदर फ्लैट्स के अंदर दादागिरी करके घुस गए हैं, इन्हें फ़ौरन निकालकर इनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक महिला डॉक्टर के साथ जो हरकत हुई है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस इशू है, और उस ताल्लुक से भी हमने कहा है कि घाटी की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर CCTV लगाने के लिए, और जहाँ जहाँ पर भी अंधेरा है वहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम करने के लिए ऑन प्रायोरिटी PWD के साथ या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई की।